हेलो दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी में आप सबका स्वागत है। मैं अजय त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ आज आप सबके सामने हरियाणा की एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी के पर्यटन के बारे में। आज जानेंगे कि हरियाणा के जो प्रमुख शहर हैं उनमें कौन कौन से पर्यटन स्थान हैं, उनकी जानकारी हम लेंगे। इसके पहले चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हरियाणा पर्यटन और इसमें कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं उनके विषय में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। वीडियो है उसमें सिर्फ उन्हीं शहरों को चूज़ किया है जो हरियाणा के प्रमुख स्थान हैं और जिनके बारे में एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। पहले हमारा जो पर्यटन का सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है उसके बारे में। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो है गुड़गांव स्थित है। इस पक्षी अभयारण्य की खोज के लिए क्रेडिट जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाता है। यहाँ एक प्राचीन झील भी है। इस विशाल प्राकृतिक झील में प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए पक्षियों और साइबेरिया के लगभग 100 प्रजातियां लगभग 265 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थान पर आते हैं। दूसरा जो हमारा पर्यटन स्थल है वो तिलियार लेक रोहतक में स्थित है। तिलियार लेक जो झील है वो 132 एकड़ क्षेत्र में फैली हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार झील हरे बिल्ड बनाती है। इसमें स्पार्कलिंग रेस्तरा और बार हैं, मिनी चिड़ियाघर जैसे टाइगर, पैंथर, हिरण, पक्षी, बंदर आदि जानवरों के साथ। तिलियार झील में बच्चों के लिए मिनी चिड़ियाघर, खिलौना ट्रेन, वयस्कों के लिए छोटे से कोलंबस स्विंग, नौकायान के लिए एक व्यापक झील और बैठने और खेलने आदि के लिए बड़े हरे रंग के लॉन हैं। अब अगला जो हमारा पर्यटन स्थल है वो गांधी संग्रहालय पलवल में स्थित है। यह पलवल जो स्टेशन है उसके नज़दीक है। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को इसकी नींव रखी थी। गांधी सेवाश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया। उनमें गांधी जी से संबंधित इतिहास को संयोजा गया है। अगला हमारा पर्यटन स्थल है वो है लोकोशेड रेवाड़ी। तो यह भारत का एकमात्र जीवित भाप लोकोशेड है, यानी कि जो स्टीम लोकोशेड है वह एकमात्र है यह, और भारत के कुछ अंतिम जीवित स्टीम लोकोमोटिव है और दुनिया की सबसे पुरानी अभी भी कार्यात्मक 1855 निर्मित स्टीम लोकोमोटिव फेरी क्वीन लोकोमोटिव पर्यटन ट्रेल को बहाल किया गया है। यह रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार से 400 मीटर उत्तर में स्थित है। तो जो भी उम्मीदवार हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि यह विश्व का एकमात्र संचालित स्टीम लोकोमोटिव है जो अभी भी चलायमान स्थिति में है। तो यह प्रमुख था इसके बारे में। अगला जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है नाडा साहेब गुरुद्वारा पंचकुला में स्थित है और यह शिवालिक तलहटी में घग्गर नदी के तट पर पंचकुला में स्थित है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 1688 में भांगानी की लड़ाई के बाद पावोता साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। हर दिन धार्मिक सभाएं और समुदाय भोजन यहाँ पे चलते रहते हैं। हर महीने की पूर्णिमा दिवस का उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। इस उत्सव के अवसर पर उत्तरी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये थी नाडा साहब गुरुद्वारा पंचकुला से जुड़ी कुछ मुख्य तथ्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोरनी हिल्स जो पंचकुला में स्थित है उसके बारे में। मोरनी पंचकुला जिले का एक गांव और पर्यटन स्थल है। यह हिमालयी दृश्यों, वनस्पतियों और झीलों के लिए जाना जाता है। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखाएं हैं जो दो समानांतर पर्वतमालाओं में चलती हैं। पहाड़ियों की तलछटी में दो झीले हैं जिन्हें स्थानीय लोग बहुत पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टार स्मारक। तो स्टार स्मारक एक शानदार वास्तुकला सितारा स्मारक पांचवी राधा स्वामी गुरु की समाधि स्थान है। श्री परम संत तारा चंद जी महाराज जो कि बड़के महाराज जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह हेक्सागोनल संरचना जमीन के 6 फीट की ऊंचा ऊंचाई पर स्टार आकार में बनाई गई है। स्मारक 88 फीट लंबा किसी खंभे और स्तंभों के बिना खड़ा है। यह आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। कंक्रीट खंभे का पूरा भवन समर्थन नहीं करता है। एक रचनात्मक उद्यान भी इस समाधि के आसपास है जो विशेष रूप से रोशनी के नीचे इस जगह की सुंदरता को दर्शाता है। यादविंद्रा गार्डन पिंजोर पंचकुला में जो स्थित है। तो पिंजोर गार्डन पंचकुला जिले के पिंजोर में स्थित है। इसे महाराजा यादविंद्र सिंह की स्मृति में
यादवरिंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगल गार्डन शैली का एक अद्भुत उत्कृष्ट नमूना है। पटियाला रियासत से पहले इसे 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदाई खान द्वारा बनाया गया था। लंबे समय से उपेक्षा के शिकार बगीचे को यादविंद सिंह द्वारा नवीनीकृत किया गया और इसे अपने पूर्व स्प्लेडोर में बहाल किया गया था। इसके जो अगला हम देखते हैं, जो हरियाणा का पर्यटन स्थल है, वह है हमारा ब्रह्म सरोवर, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो ब्रह्म सरोवर का जो संबंध है, वो भगवान ब्रह्मा से स्थापित है। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र पानी में डुबकी लेना हजारों अश्वमेध यज्ञों के प्रदर्शन की योग्यता के बराबर माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस सरोवर की खुदाई राजा कुरु ने की थी। सरोवर के बीच में स्थित द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कुआं है। सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव कहा जाता है। परंपरा के अनुसार यहाँ ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर दिसंबर में ब्रह्म रोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। तो कभी कभी ये हरियाणा के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वार्षिक गीता जयंती समारोह का अवसर कहाँ आयोजित होता है, तो आपको ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का चयन करना होगा। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं, जो हमारा टूरिज्म प्लेस है वो है पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, अम्बाला में स्थित है। तो गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा 8वीं गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी की याददाश्त के लिए समर्पित है। वह इस जगह दिल्ली जाने के लिए गए थे। 300 साल पहले गुरु के रहने के दिनों की याद में मकसूदी 7 से 8वीं यानी जनवरी फरवरी पर एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। हमारा अगला जो पर्यटन स्थल है वह है राष्ट्रीय कैक्टस और ससकुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर। सैटेलाइट शहर पंचकुला के केंद्र में स्थित है। कैक्टस गार्डन को अब राष्ट्रीय कैक्टस और ससकुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान के विकास के पीछे उद्देश्य कैक्टस और सुगुलुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करना था। 7 एकड़ जमीन के क्षेत्र में फैला हुआ यह एशिया का सबसे बड़े आउटडोर भूभाग के कैक्टस और सुकुल गार्डन के रूप में माना जाता है, जिसमें 2500 से अधिक प्रजातियों के कैक्टस और सुकुलेंट हैं। बगीचे में भारतीय सुकुलों का एक व्यापक संग्रह है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इनमें से कुछ बहुत दुर्लभ हैं और पहले से ही लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित हो चुके हैं, जिनमें भारतीय मूल के जीनस कार्लुमा का पूरा संग्रह शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में। तो अगला जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है वह है माता मानसा देवी मंदिर। तो यह मंदिर पंचकुला जिले में मानसा देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर परिसर शिवालिक की तलहटी में गांव बिलासपुर में 100 एकड़ में बना हुआ है। यह उत्तरी भारत के प्रमुख शक्ति मंदिरों में से एक है। नवरात्र उत्सव वर्ष में 2 बार के वक्त लाखों भक्त मंदिर में आते हैं। चैत और अश्विन महीने के दौरान श्रद्धामय नवरात्रि मेला मंदिर के परिसर में आयोजित किए जाते हैं। किंगडम ऑफ डिम, ये जो हमारा अगला टूरिस्ट प्लेस है, तो देश में अपने पहले तरह का लाइव मनोरंजन की शुरुआत 29 जनवरी 2010 गुरुग्राम में, यानी कि गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स की स्थापना के साथ शुरू हुई। इस ओपेरा रंगमंच के एक जगह पर यह एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र है। इस ओपेरा थिएटर में पेरिस, अमेरिका और इंग्लैंड समेत यूरोपीय देशों की सांस्कृतिक झलक देखी जा सकती है। भारतीय राज्यों के भोजन ने मुंबई के बाद देश में गुरुग्राम में पर्यटकों के लिए भी सेवा की और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट हमारा जो है कल्पना चावला तारामंडल है, जो टूरिस्ट प्लेस है। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की याद में हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम स्थापित किया गया है। भारत का 6.50 करोड़ की लागत से बने तारामंडल में 5 एकड़ भूमि का क्षेत्र शामिल है। एस्ट्रो पार्क के अंदर और उसके अंदर रखे उत्कृष्ट कार्यक्रम और सहायक प्रदर्शन छात्रों को विशेष रूप से और लोगों के विज्ञान के इस सीमावर्ती क्षेत्र को सीखने में मदद करते हैं और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी की पूरी श्रृंखला के साथ अपनी जिज्ञासा को पूरा। खगोल विज्ञान शो आमतौर पर हिंदी भाषा में चलाया जाता है यहाँ पर। नाहर सिंह महल जो हमारा अगला टूरिस्ट प्लेस है, तो नाहर सिंह महल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में स्थित है।
यह किला 1739 ईस्वी के आसपास जाट राजा नहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और जिसके बाद बल्लभगढ़ का नाम रखा गया था। निर्माण हालांकि 1850 तक जारी रहा। यह किला राजा नाहर सिंह पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसे पुनर्निर्मित किया गया है और एक मोटल सह रेस्तरा में परिवर्तित किया गया है। महल विशेषज्ञों की टीम के साथ वास्तुशिल्प डिजाइन के एक उत्कृष्ट नमूने में नवीनीकृत किया गया है। 1996 से नवंबर के महीने में आयोजित मुख्य वार्षिक मेला कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। रानीला जैन मंदिर। रानीला चरखी दादरी जिले में एक गांव है। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र रानीला के आदिनाथपुरा में स्थित हैं। शानदार मंदिर बहुत चमत्कारी माना जाता है। मूल नायक एक नारंगी रंग की मूर्ति है जो आदिनाथ के साथ मध्य में स्थित है और शेष 23 तीर्थकर तीन तरफ हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति 1400 से 1500 वर्ष पुरानी है। कर्ण झील जो करनाल में स्थित है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में जानते हैं। कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। लोक कथा यह है कि कर्ण ने इस झील को स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह वह स्थान है जहां पर उन्होंने अपने सुरक्षा कवच इंद्र को समर्पित किए थे। स्थानीय बोलचाल में करनाल को कर्ण का शहर भी कहा जाता है। तो ये कर्ण झील जो करनाल में स्थित है उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। तो ये कुछ प्रमुख टूरिज्म प्लेस थे हरियाणा के। आशा है आपको ये टूरिज्म प्लेस पसंद आए होंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार आपको हरियाणा से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थान है, हरियाणा के प्रसिद्ध मेले हैं, प्रसिद्ध हरियाणा के संबंधित हरियाणा विशेष जीके आपके लाते रहते हैं, जिससे कि आप अपने जो हरियाणा विषय ज्ञान है उसको इम्प्रूव कर सके। तो यह वीडियो इसी क्रम में था और आगे भी हरियाणा विशेष आपके लिए जारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।